मुरादाबाद के बुद्ध बाजार चौकी के सामने 10वें बादशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव पर पंजाबी समाज उत्तर प्रदेश द्वारा नगर कीर्तन का स्वागत व प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर जयंत कुमार अरोड़ा प्रिंस प्रदेश मंत्री पंजाबी समाज उत्तर प्रदेश ने सर्वप्रथम पंच प्यारों का सम्मान किया एवं उनके साथ प्रभजोत सिंह बग्गा, ऋषि वासन, राजीव कुंबर, तरुण मदान, सतीश रहेजा, नीता धमीजा, राजेंद्र सिंह, परविंदर सिंह, सुरजीत सिंह, दिनेश अरोड़ा, बॉबी सिंह पंजाबी व सिख समाज के अन्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर जानकारी देते हुए जयंत कुमार अरोड़ा प्रिंस ने बताया। आज गुरु गोविंद सिंह के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? आपके द्वारा कैंप लगाया गया। सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं जयंत अरोड़ा प्रिंस, प्रदेश मंत्री पंजाबी समाज उत्तर प्रदेश एवं 28 नगर विधानसभा का संभावित प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से। आज गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव पर गुरुद्वारे की तरफ से नगर कीर्तन निकाला गया था, जो कि गुरु सिंह सभा ताड़ीखाना से स्टार्ट होकर के गुरट्टी टाउन हॉल होते हुए बुधवार होते हुए स्टेशन रोड होते वापसी गुजार पर जाके समाप्त होना था। उसका हमने आज नगर कीर्तन गुरुद्वारे का स्वागत किया एवं प्रसाद का संगत में वितरण किया। अच्छा, कोरोना काल का भी वो चल रहा है, दोबारा से केस निकल रहा है, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? देखिए, मैं सभी लोगों से ही गुजारिश करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, यदि किसी को कोई बुखार, खांसी, जुकाम या कोरोना के जैसे लक्षण दिखाई देते तो घर में ना बैठे, छुपे नहीं, सामने आए, अपनी जाँच कराए और इलाज कराए, क्योंकि छुपने से क्या होता है, एक दूसरे को फैलने वाली बीमारी बताई जाती है, जैसे कि डॉक्टर लोग बताते हैं। सभी लोग अपना इसकी जांच कराएं और अपना इलाज कराएं, एहतियात करके मास्क लगाएं और सुरक्षित रहें। अच्छा, आप नगर विधानसभा 28 से समाजवादी के पार्टी के टिकट के भी संभावित प्रत्याशी हैं, तो अभी डॉक्टर ग्राम साहब का देहांत हो गया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसा आदमी थे? वे एक नेक और अच्छे दिल के इंसान थे। ये आपकी जो कमेटी है, इसमें कौन कौन लोग आपके साथ शामिल रहे? हमारी प्रदेश की उत्तर प्रदेश पंजाबी समाज की कमेटी थी, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश रहेजा जी, प्रदेश सचिव, प्रदेश मंत्री प्रभु सिंह बग्गा जी, जिला अध्यक्ष नीता धमीजा जी, महानगर अध्यक्ष राजीव कुंबर जी, मैं खुद प्रदेश का मंत्री हूँ इस कमेटी का, हमारे कार्यकारिणी सदस्य दिनेश जी अरोड़ा जी हमारे साथ थे, और भी ऋषि वासन, तरुण मदान, जो कि अलग अलग समाज सेवा की संगठनों के लोग हैं, संजय नारंग जी, काफ़ी लोग मौजूद थे।
अच्छा, आपने पांच पंचों का स्वागत भी किया? जी, हमने सबसे पहले आने वाले सबसे पहले पंच घोड़ों का स्वागत करा, उसके आगे पंच प्यारों का स्वागत करा, पालकी के मट्ठा टेक करके हमने आशीर्वाद प्राप्त किया। क्या संदेश देंगे इस मौके पर, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा समाज हमें सबको मिलजुल कर रहना सिखाता है। मेरे सभी धर्मों से, सभी धर्मों के लोगों से यह निवेदन है कि आपस में मिलजुल कर रहें, आपस में प्यार न करें। हमने यही हमारे गुरुओं ने सिखाया, गुरु गोविंद सिंह गुना दें कि सभी सुरक्षित रहें, एक साथ रहें, मिलजुल कर रहें, किसी को नुकसान न पहुंचाएं, किसी से बैर न रखें। बहुत बहुत।